चलो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज आपका एक महामैराथन होगा जिसमें आज जो हिंदी का वर्णिका है वो पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 2011 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है, यानी कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने पूछ दिया, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपका समाप्त करने वाले हैं। और आज यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा शानदार है, तो एक बार जोरदार तरीके से हुंकार भर के अपने दोस्तों अपने साथियों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। इसका PDF नोट्स भी आपको हम देने वाले हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन है, यानी कि आज साथियों आपका जो 10 नंबर है ना, 10 मार्क्स इस चैप्टर से आता है वो कंफर्म होने वाली है। और ऐसा आपको आज समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और आपके सामने यूं ही क्वेश्चन आते जा रहा है और फटाफट तरीके से लाजवाब तरीके से शानदार तरीके से आप लोग जवाब देते जा रहे हैं। चलिए सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बढ़िया। और भी काफी सारे बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है तो आप लोग फटाफट से पहुंचा दीजिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया टॉप जी, विशाल कुमार जी, प्रियांशु जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया लाजवाब बाबू शानदार। चलिए हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है ना, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज का क्लास काफी शानदार होगी। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बोलो सर जी, दिख रहा है आपके सामने सर, दही वाली मंगमा। पहला चैप्टर क्या है हिंदी में वर्णिका का, सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। सबसे पहले जानेंगे कि पहले चैप्टर से बिहार बोर्ड द्वारा अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कब कब पूछा गया है, यह भी बताने वाले हैं। और यह बिहार में पहली बार हो रहा है जिसमें हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको सारी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि यही तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सर, चलिए प्रिंस जी एक बार शुरुआत करें, बोलो यस गुरु जी शुरुआत करिए, बोलिए फटाफट से सर एक बार शेयर कर दो दबा करके, जल्दी से शेयर करो और बोलो यस गुरु जी शुरू करिए। क्या आप जवाब दे पाओगे जितने भी क्वेश्चन है, क्या आप जवाब दे पाओगे, बोलो यस गुरु जी, बोलो हाँ गुरु जी। रिंकू जी बहुत बढ़िया, क्रिकेट हीरो, अरे भाई वाह क्या बात है, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया सर जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी सारे बच्चे तो ऑप्शन भी दे रहे हैं, यानी कि आंसर भी दे रहे हैं कि सही जवाब क्या होगा। बाबू सबसे पहला क्वेश्चन का हरौल बटे कि दही वाली मंगमा में जो मंगमा है वो क्या बेचा करती थी। बाबू हम लोग सबको ही जानते हैं जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, वो सास बहु के बारे में पूरा आपका इसमें कहानी में बताया गया है। और दही वाली मंगमा में जो आपका मंगमा है वो दही बेचा करती थी, और ये ऑप्शन आपका सी नंबर सभी बच्चे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2021 की प्रथम पाली में ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीधे से ये पूछ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार बोले यस गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत बढ़िया। अरुण कुमार जी, संजय बाबा जी बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा कहां के रहने वाली थी। यह भी क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, बाबू जो मंगमा थी ना वह कहां की रहने वाली थी, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके ना, मस्ट VVI क्वेश्चन है। बिल्कुल सर बिल्कुल, पावर अप मंटू सर, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्मॉल डांसर जी के नाम से, ओहो भाई क्या बात है, चलिए 2.0 बहुत बढ़िया। चलिए क्या होगा इसका राइट जवाब, बिल्कुल सही बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि औलूर के पास के किसी गांव की वह रहने वाली थी, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये महामैराथन काफी जबरदस्त है, 10 नंबर तो आज हिंदी के पेपर में यूं ही आ जाएगा समझो, यानी कि 100 नंबर के पेपर में मात्र 90 नंबर की पेपर की तैयारी करनी है। ओके आज की क्लास के बाद से कैमरामैन फोकस करो, अंटू सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया अखिल भारती जी, बिल्कुल 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 बाबू, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा बेटे, 2021 में क्वेश्चन पूछल गया है, कहा था कि मंगमा किस भाषा की कहानी, मंगमा किस भाषा की कहानी है, जो दही वाली मंगमा है वह किस भाषा की कहानी है आपको बताना है, यहां पर एड कर सकते हो दही वाली मंगमा। ओके डन है, डन है साथियों, बिल्कुल सर डन है। चलिए बताओ फटाफट से, चलिए जल्दी से, हाँ चलो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हिंदी भाषा की कहानी हो जाएगी, यानी सॉरी ये आपका कन्नड़ भाषा की कहानी हो जाएगी, माफ करना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, कन्नड़ भाषा थी ना, क्या हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल साथियों, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यार एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों साथियों के पास शेयर कर दो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटिएगा, जितना आपके अपने दोस्तों और साथियों के पास पहुंचाएगा ये घटेगा नहीं। मां शारदे मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी, और इस वर्ष तो टॉपर बनना है, टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, और वहां हम उपस्थित ही रहेंगे। ओके साथियों बोलो यस गुरुजी, बिल्कुल इसका सबको जमंटू सर,
अच्छा खान सर से बेहतर है रे भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, ये सब आपका प्यार है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, ये भी 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। बाबू बता दो, जब मंगमा थी ना वो केकरा खाती मिठाई लेके जा रही थी, बताओ फटाफट से। उस अपने पोते के लिए, किसके लिए? अपने पोते के लिए लेकर के जा रही थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, किधर है, अपने पोती, पोती के लिए नहीं, यहां पे पोता के लिए होगा, ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, ठीक है, पोती नहीं होगा पोता होगा, ठीक है, पोता के लिए लेकर के जा रही थी, लड़की नहीं थी वो लड़का था, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का, यहां पर ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था। जल्दी बता दो फटाफट से, ये 2021 के द्वितीय पारे में क्वेश्चन पूछल गई रहे। जो मंगमा की जो बहू थी साथियों, मंगमा की कौन ये बहू थी, वो अपने सास से समझौता क्यों कर ली, उनके बीच तो बड़ा झगड़ा हुआ करता था भाई, तो झगड़ा जब हुआ करता था आखिर में वो समझौता क्यों की थी, उसका क्या कारण था, तो उसका कारण ये था कि उसकी मजबूरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी इस बात की हो गई थी कि उनको पता था कि उनके घर में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। कौन था जल्दी बताओ? रंगप्पा था। और रंगप्पा जो है वो उसे कुछ पैसा उधार लेना चाहता था, उसे अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसके कारण वह डर गई थी कि कहीं ना हो कुछ गलत हो जाए। इसके लिए वो क्या की थी, कि उनकी मजबूरी हो गई थी तो उनके साथ क्या की थी, वो समझौता कर ली अपने पोते को भेज करके, बोली कि बेटा जाओ तुम अपने दादी के पास, उसे वो तुम्हें मिठाई देंगी, इस तरीके को बोल करके उन्हें उसके अपने दादी के पास अपने बच्चे को भेज दी। और भेजने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो जाकर के एक दिन क्या हुआ कि जाकर के माफी मांग ली अपने साथ से, और फिर एक दूसरे के साथ उन्हों रहने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। सर एक बार शेयर नहीं करते हो, लाइक और शेयर नहीं करते हो, ये कंजूसी करते हो यार, अच्छी बात नहीं है ये, पावर यार दिखाना है तो एक बार शेयर कर दो दबा करके, एक बार शेयर कर दो दबा के। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, ये 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो फटाफट से, इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका सही जवाब जो होगा वह क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई साहब कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर की। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ से है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक बा। चले आगे बढ़े हम लोग, बोलो यस गुरु जी आगे बढ़े। एक बार शेयर यार, ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती। और हाँ फटाफट से, और आप सभी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए हो, नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, सर्च करो इंस्टाग्राम पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन मंटू सर या मंटू सर जो भी है, या डीएलएस एजुकेशन, और जाकर के आप हमें फॉलो कर लीजिए फटाफट से, है ना, इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च करना, फॉलो जरूर करना। ओके ओके सर, सर्च करो इंस्टाग्राम पे डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के नाम से है, मंटू सर सर्च करो या डीएलएस एजुकेशन, जो भी सर्च करोगे देखोगे आएगा मेरा आईडी, उसको आप फॉलो कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, बाबू कहता था कि मंगमा को किससे विवाद था, ये 2020 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। मंगमा को किससे विवाद था, यस गुरु जी कर लेना बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो, ये इसका आंसर क्या होगा, मंगमा को उसकी एक मंगमा को किससे विवाद था, बाबू मंगमा के अपना बहू से विवाद रहे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कि अपने बहू से ही विवाद था, बहू से ही झगड़ा था। किससे झगड़ा था? बहू से झगड़ा था, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, यस गुरुजी अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए। चलो तो अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, देखना ध्यान से, कह रहा है कि अमराई का कुआ कहां है, यह 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, अमराई के कुआ। और इसका पीडीएफ ले लेना बाबू, ये पीडीएफ ले लेना, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, डन है, बोलो डन है, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन हो जाओ, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर सर्च करो, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, फॉलो कर लो, जो लोग फॉलो किए हो तो अच्छी बात है, उनको मिल जाएगी, आप नहीं किए तक कर लीजिएगा, ठीक है, ये पीडीएफ वगैरह ले लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ओके डन है, मंटू सर इज द बेस्ट, थैंक यू बिपिन बिहारी जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़े, हाँ चलो इसका बताओ, अमराई का कुआं कहां है,
बाबू अमराई के जोन कुआं रहे वो ध्यान दिया, वो रास्ते में जब दही बेचने जाया करती थी मंगमा तो उसी रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस गुरुजी, राहुल कुमार जी, सुप्रिया कुमार जी, तन्या कुमारी जी, माधुरी कुमारी जी, बहुत बढ़िया, रोहित कुमार, अरुण कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बात किसने कह दिया था? 2020 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था भाई साहब, ये बात जो है किसने कहा था? सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा की, और इसमें यह कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बात किसने कह दी थी? जल्दी बता दो, यह विजय कुमार जल्दी बताओ फटाफट से। अनीश कुमार जी बहुत बढ़िया, प्रियांशु जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यह बात अपने बहू से मंगमा ने कह दी थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को आप क्यों पीट रही हो। वैसे भी जब सास बहू में झगड़ा होता है आसपास में तो ऐसा ही होता है ना, गाली गलौज तो चलता है ना। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो एक बार शेयर करना साथियों, ये शेयर नहीं करते, ये कंजूसी, ये पावर नहीं दिखाते आप। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंजमा मंगमा की कौन थी, ये 2020 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बताओ। कह रहा है कि नंजमा मंगमा की कौन थी, जल्दी बताओ, तो फटाफट से जल्दी बताओ कि नंजमा मंगमा की कौन थी, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, या सौतिन थी, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब है, नंजमा जो है मंगमा की बहू थी। क्या थी? वो उसकी बहू रानी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन है, बिल्कुल सर डन है, ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो विशाल कुमार जी बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, और यह देखो क्वेश्चन जो है वह बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, जैसा कि 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में पूछा है, 2018 के द्वितीय पाली में, 2022 के द्वितीय पाली में, यह दोनों बार पूछा है, और यह सबसे शानदार आपका सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक की, और क्वेश्चन बैंक में आज आपका पूरे पांचों चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, पूरे पांचों चैप्टर आज आपका समाप्त होने वाला है शानदार तरीके से, है ना, एक बार शेयर करेंगे आप लोग। चलो बताओ तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल बाबू, एक जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए की श्रीनिवास जी। क्या जवाब हो जाए? श्रीनिवास जी, ऑप्शन नंबर ए। ओके डन। बताओ तो सांवरदैया किसके लेखक है, जल्दी से अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। बताओ, मौखिक प्रश्न आपसे मैंने पूछ डाला कि सांवरदैया किसके लेखक है, सांवरदैया किसके लेखक है, जल्दी बता दो फटाफट तरीके से। क्या बात है साथियों, बहुत बढ़िया। शेयर एक बार करके एकदम दबा करके बढ़िया तरीके से शेयर करो, बढ़िया तरीके से शेयर करो, तो जल्दी से शेयर करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताओ सर मेरा भी नाम लीजिए, खुशबू कुमारी। अच्छा खुशबू जी, बिल्कुल आपका भी नाम रहा है। मैथ का क्लास कब होगा? बिल्कुल मैथ का क्लास होगा यार, मैथ की क्लास क्यों बंद होगी, मैथ की क्लास तो आपका मस्त, दो से तीन चैप्टर बाकी, अभी बाकी सारा चीज मैंने खत्म कर दिया क्वेश्चन बैंक की सीरीज में, ठीक है, उसकी अब सब्जेक्टिव चलेगी एकदम जबरदस्त सुंदर तरीके से, लाजवाब तरीके से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। धरती कब तक घूमेगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? सांवरदैया है। सांवरदैया किसके लेखक है? धरती कब तक घूमेगी। ओके डन हो गई। चलो ये कुछ मौखिक प्रश्न भी आप लोग याद करके रखो बिना ऑप्शन का बताने के लिए, ठीक है, यही तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। बाबू अगला क्वेश्चन कहा था कि रंगप्पा था, बाबू जल्दी बता दें कि रंगप्पा कौन था। यह क्वेश्चन 2018 के द्वितीय पाली और 2019 के प्रथम पाली, ये दोनों बार क्वेश्चन पूछल गए रहे, जल्दी से बता दो फटाफट से क्या होगा, जल्दी बता दो फटाफट से। अरे वाह भाई, ये दिल खुश हो जाता है यार, इतनी लाजवाब तरीके से जब आप जवाब देते हो मजा आ जाता है ना। जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका बताओ तो, रंगप्पा कौन था? बाबू रंगप्पा एक जुआरी था, जुआरी किस्म का व्यक्ति था जो कभी जुआ हुआ खेला करता था, जो कहा वो हमेशा अमराई कुएं के पास किसको मिला करता था, मंगमा को मिला करता था। मंगमा से एक दिन वो पैसा मांगना अवैध संबंध बनाने के चक्कर में उसका हाथ भी पकड़ डाला था, है ना, वो कौन था? वो एक जुआरी था। आपके भी गांव में आसपास जुआरी है ना यार, ये सबके गांव में होता है, मेरे गांव में तो सबसे ज्यादा चलता है, क्या ही कहे है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ड्रिल 11 खेलते हो, वो भी एक प्रकार का ये आपका एक जुआ ही है ना, लेकिन वो ऑनलाइन जुआ है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है,
बाबू अगला क्वेश्चन कहता है ठीक है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद कर दिया था, यह 2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बता दो बी आर नारायण जो है वो किस कहानी का अनुवाद कर दिए थे, जल्दी से शानदार तरीके से बता दो किसका सही जवाब जो होगा वह क्या होगा, फटाफट तरीके से बताओ तो सही जवाब क्या होगा कि ढाते विश्वास के, दही वाली मंगवा के, नगर के या फिर मां के। सारा चैप्टर आज खल्लास होने वाला है, पूरे चैप्टर खल्लास होने वाला है, पूरे पांचों चैप्टर खल्लास होगा एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। ये एक एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक की महासीरीज में आपका महामैराथन की क्लास है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं साथियों कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही वाली मंगवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दही वाली मंगवा हो जाएगी। केमिस्ट्री नहीं आती? अच्छा केमिस्ट्री आपको नहीं आती यार, क्यों परेशान हो, सबसे शानदार जबरदस्त तरीके से आपकी केमिस्ट्री भी चल रही है। साथियों मैं बता दूं कि कल रात 8 बजे मैं बता दूं क्वेश्चन बैंक चलेगी, साइंस का क्वेश्चन बैंक बाकी था ना, कल रात 8 बजे याद रखें, कल रात 8 बजे आपकी साइंस की पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जितने भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार और टॉप क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक, 2000 लगभग 10-12 सालों में, यह सब कुछ कल खलास करने वाले हैं वो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, मौज करो एकदम जबरदस्त तरीके से। कल जुड़ोगे, बोलो कल जुड़ोगे रात्रि 8 बजे हमसे, हम पढ़ाएंगे आपको कल साइंस का जबरदस्त क्वेश्चन बैंक, बोलो यस गुरुजी, जुड़ेंगे शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है, बाबू मंगमा के बहू का क्या नाम रहे, जल्दी से बता दो, तो मंगमा के बहू का नाम क्या रहे जल्दी से बता दो फटाफट से, कहोगे कि यस गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नंजमा नाम था, क्या था तो नंजमा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि नंजमा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था, यह 2020 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से बता दो फटाफट से शानदार तरीके से, और 15 का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सर नंबरिंग देकर के जवाब दो कि मैं इतने नंबर प्रश्न का जवाब दे रहा हूं शानदार तरीके से, बिल्कुल सर। चलो चलिए, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, यार एक नहीं हजार सवाल कर सकते हो, जल्दी से कमेंट किया करो फटाफट से, अगर मैं देख पाऊंगा तो जवाब जरूर मिलेगी आपको। ओके डन है, डन है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो फटाफट से आप हमें बता दो, चलो साथियों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर लिख करके आप फॉलो करें हमें, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे मैसेज वगैरह या कुछ रिस्पांस अगर आपको मिले तो मैं वहां पे जरूर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो सभी बच्चे फॉलो कर लेना, सर्च करना डीएलएस एजुकेशन मंटू सर या मंटू सर, ठीक है, मंटू सर के नाम से आईडी है मेरी डीएलएस एजुकेशन के नाम से, हाँ तो वहां पे जरूर कर लेना। चलो क्या हो जाएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था, ये 2020 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट जवाब होगा कोलार कर्नाटक में हुआ था, कहां भाई रहे कोलार के कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी बटे वो बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी, क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। स्मॉल डांसर 2.0 लिख रहे हैं कि सर जी नमस्कार, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, माय नेम इज पंकज सर, आपका क्लास में मैं डेली जुड़ता हूं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, इसी तरीके से यही ऊर्जा यही एनर्जी के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहो साथियों, सफलता तो आपको जरूर मिलेगी और ऐसी मिलेगी जो आपने सोचा कभी नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से शानदार होगा सर, बस मिस्टेक मत करना, हर एक क्लास देखना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट का सेक्शन मैंने बनवा दिया है, और बिहार में पहली बार हो रही है कि मैंने आपको चैप्टर वाइज करवा रहा है सभी शिक्षकों के साथ में, आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स भी मिल रही है शानदार जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत और कोई डाउट नहीं हो रही है, जिन बच्चों को मिल रहा है वो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि सबको मिल सके, आप जब शेयर करिएगा तभी हो पाएगा, है ना, मेरे से जितना हो पाता मैं दे देता हूं। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कह दिया था, वाह भाई वाह, क्या किसने कह दिया था, लड़का कुछ अगर उद्यम करता है यानी उदंड करता है, कुछ शरारत करता है तो उसे डांटने का, उसे मारने का या उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, तो किसे है, यह बात किसने कह दिया था, यह जल्दी से बता दो कि यह बात जो है किसने कह दिया था,
जल्दी से बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा। यह बात मंगमा से नंजमा ने कही थी। कौन कही थी? नंजमा ने कही थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जब मंगमा ने यह बात डांटी थी किसको? अपनी बहू को। तो बहू ने यह जवाब दी थी कि अगर कोई लड़का जो है, अगर लड़का अपने पति से बोल रही थी कि अगर लड़का जो है उद्यम करेगा, शरारती करेगा या कुछ करेगा गलत काम, तो उसे हम ही ना डांटेंगे, मैं उसकी माँ हूं। ऐसा बात कौन कही थी? नंजमा ने कही थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मंगमा की बहू ने कही थी। ओके, डन हो गई। पूरी चैप्टर आज खलास होगी, पूरी चैप्टर खलास होगी। कंजूसी मत करो, एक बार फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो साथियों। अगला है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने बात कह दी? 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था भाई साहब। यह बात किसने कही थी कि घर वाले के रहते हुए, यानी कि मेरे पति के रहते हुए एक साड़ी अच्छी सी तो नसीब नहीं हुई थी, यह बात किसने कह दी थी? जल्दी से बता दो फटाफट से। सोनू कुमार बोल रहे हैं कि सर जी आप मेरा नाम एक भी बार नहीं लिए हैं। चलो सोनू कुमार एक बार और ले लेते हैं, सोनू कुमार एक बार और नाम ले लेते हैं, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बताओ फटाफट से जवाब क्या होगा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कह दिया था? इसने यह जो बात है वो आपकी मंगमा, दही वाली मंगमा, जो मंगमा ने कह डाली थी। किससे कह रही थी? जल्दी बताओ किससे कह रही थी, यह बात किससे कह रही थी? मौखिक प्रश्न आपसे मैंने पूछ डाला, जल्दी बता दो कि यह बात किसने कह डाली थी और किससे कह डाली थी? किसने कह डाली थी? तो मंगमा ने कह डाली थी, यह बात मंगमा ने कही थी, लेकिन किससे यह बात कही थी? क्या आपको कहानी पता है? तो जल्दी बता दो फटाफट से किसका जवाब जो होगा क्या होगा। सर संस्कृत की क्लास भी बहुत जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला, लगातार क्वेश्चन बैंक का आपका वो भी लगातार खत्म हो जाएगी। टेंशन मत लो, जब आपका मैंने उंगली पकड़ लिया है ना, जब तक पूरी सिलेबस खत्म नहीं होगी, जब तक आपको सफलता की उस मंजिल तक नहीं आपको भेजेंगे, तब तक चैन से सोने वाले नहीं है, है ना। एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं। कल आपकी साइंस की महामैराथन होगी, यानी कि पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का क्वेश्चन बैंक होगा। उसके पहले वन शॉट की क्लास आपकी मनीष सर करा रहे थे, वो अच्छे तरीके से, ठीक है, डन। कैसे कह रही थी? नहीं, नंजमा से नहीं कह रही थी, माँ जी से कह रही थी। यह बात किसने कही थी? यह बात किसने कही थी? घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह मंगवा जो है लेखक की पत्नी से कही थी। किसे? लेखक की पत्नी किसे? माँ जी से कही थी। ध्यान से चैप्टर पढ़ना, किसे कही थी? माँ जी से पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा बैठे, सारा चैप्टर आज समाप्त हो जाए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस एक बार और रिवीजन कर लग भाई, अगर सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी करा दे हम, ठीक बा, टेंशन लेने के कोनो जरूरत नहीं है। ओके बिल्कुल, सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, बोल देंगे अमन सर को, अमन सर आपको बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझना कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ये देखो, ये तो एकदम ललीपॉप यार, भूलिया रहा है क्वेश्चन, 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है क्वेश्चन, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? अरे भाई साहब, रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या था जल्दी से बता दो। तो रास्ते में भाई अमराई के कुआं था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अमराई के कुआं था। ओके ओके डन। मैंने सोचा सर एसी वगैरह मेरा ये कर रहा है ना, आवाज दे रहा है, बट वही है ना, वही नहीं है, शायद प्लेन जा रही है। चलो ये देखो, ये खत्म हो गया साथियों पहला चैप्टर, पहला चैप्टर से, यानी कि दही वाले। ये देखो बहुत अद्भुत चीजें साथियों, अभी तक मैं बता दूं कि मात्र 18 ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन जो है, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह दही वाली जो मंगमा है उस चैप्टर से पूछा गया था। दही वाली मंगमा जो है उस चैप्टर से अभी तक मात्र 18 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको समाप्त कर दिया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। बोलो यस गुरुजी, दूसरे चैप्टर की ओर बढ़िए फटाफट से, फटाफट से बोलिए। आरडीएक्स वंडम टॉप 10, ये नाम है या फिर कुछ और? आप बोल रहे कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, और नाम बड़ी अजीब है सर, आप लोग इतनी लॉलीपॉप तरीके से अपना नाम रखते, मजा आ जाता है। सर इंस्टाग्राम पे मैं अपना डाउट पूछ सकता हूं, आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके, मैं जब भी फ्री हूँ होंगे हम, तो इंस्टाग्राम जब चलाएंगे तो वहां पे डाउट आपकी दिखेगी, जो समस्या दिखेगी तो मैं वहां पे आपकी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप मैसेज वगैरह मुझे कर दीजिएगा, ठीक है, चलिए आप मैसेज वगैरह कर दीजिएगा वहां पे फटाफट तरीके से। चलो आगे बढ़े, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें,
ये नेक्स्ट चैप्टर की। बोलो यस गुरुजी। जी गुरुजी जी, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो तो ये लो अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पे, ये देखो। सबसे पहला आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ, अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम क्या है, ढहते विश्वास। क्या नाम है? ढहते विश्वास। विश्वास क्या हो जाता है? पूरी तरीके से आपका विश्वास वह ढह जाता है, ढहते विश्वास, है ना। क्या था यानी कि इस कहानी के नायिका की, पहले बताओ क्या था, मैं कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लूं। ढहते विश्वास कहानी की नायिका कौन थी, जल्दी कमेंट करो। तो ढहते विश्वास कहानी की नायिका जल्दी बताओ कमेंट करके, मौखिक प्रश्न मैंने आपसे पूछ डाला। बिल्कुल सर, लक्ष्मी थी। कौन थी? तो लक्ष्मी थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाए, ये ऑप्शन बोल रहे हैं, ये लक्ष्मी थी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा यार, इसमें मतलब मौखिक प्रश्न है ना। चलो लक्ष्मी थी, डन है। अब चलो ढहते विश्वास के लेखक कौन है, जल्दी बताओ ढहते विश्वास के लेखक कौन है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है बाबू, जल्दी बताओ। तो फटाफट तरीके से ढहते विश्वास के लेखक कौन है, फटाफट तरीके से, जल्दी से, ये मौखिक प्रश्न है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सर जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज किए जवाब नहीं दे पाए हैं, सर अगर आप खुद सर समझदार हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप करेंगे तो प्लीज, जो हमारी टीम है, हमारी विद्याकुल जो हमारा ऐप है, उस पर जो नंबर दिया कि आप उस पर डायरेक्ट फोन करो, मैसेज करने से क्या फायदा है, आप डायरेक्ट विद्याकुल ऐप का जो है, हमारा जो ऐप है हम लोग का, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करो, कॉल करके जो डाउट है पूछ लो, ठीक है ना, वहां पे पूछ लो। और व्हाट्सएप वगैरह पे अगर रिप्लाई करोगे तो मेरे से यार संभव थोड़ी सी, आप जानते हो कितनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, पूरी सब चीज तो मेरे क्यों देखनी पड़ती है ना, कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, पीपीटी क्या हुआ, पीडीएफ क्या हुआ, पीडीएफ बच्चों को मिला या नहीं मिला, ये सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, सो समय नहीं मिल पाता, उसके साथ साथ पढ़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है सर। तो अगर मैसेज करोगे तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो कर ले तो डीएलएस एजुकेशन मंटू सर सर्च करोगे तो वहां पे अगर मैसेज वगैरह करोगे तो चांस है कि मैं जब भी बैठूं अगर चलाने इंस्टाग्राम तो वहां पे मैं पढ़ू तो आपका रिप्लाई दे दूं। वैसे काफी सारे हजारों बच्चे देते रहते हैं तो समय नहीं मिल पाता है ना। चलो कोई नहीं, बाकी सारी चीज तो मैं कंप्लीट कराते रहता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके बिल्कुल, सात कोड़ी होता हो जाएगा ना, बिल्कुल ओके सर डन। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग बिना बातें किए हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, और यह 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ दिया गया था इस चैप्टर से। जल्दी से बता दो क्या है, जल्दी से बता दो। मोनू कुशवाहा बोल रहे हैं कि मां बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। वाह भाई वाह, चलो बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा फटाफट से, बिल्कुल हो जाएगा ये नंबर की, उड़ीसा को दिखाया गया। किसको दिखाया गया है, बाढ़ से ग्रसित तो उड़ीसा को दिखाया गया, ठीक है, उड़ीसा को दिखाया गया, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, डन है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है, बता दो। ये 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, क्या होगा जवाब, जल्दी बताओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दो, ढहते विश्वास कहानी में जो ना स्कूल रहे ना, वो स्कूल कहां था, जल्दी बता दो, स्कूल कहां था, स्कूल कहां था, जल्दी से बताओ। कहोगे कि सर टीले के नीचे था, कहां था, टीले के नीचे था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बताओ मैं आपसे मौखिक प्रश्न कुछ पूछ लूं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपसे मौखिक प्रश्न पूछ लूं, एक बार बोलो यस गुरुजी, पूछ लीजिए फटाफट से, कमेंट आना चाहिए यस गुरुजी पूछ लीजिए, मौखिक प्रश्न पूछ दूं क्या आप जवाब दे दोगे, कहोगे कि हां सर जवाब दे देंगे, तो बताओ लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के जो पति है, जो हस्बैंड थे, उनके क्या नाम था, जल्दी बता दो फटाफट से कमेंट करोगे, मैं चाहूंगा एकदम जोरदार तरीके से शानदार तरीके से जवाब आने चाहिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करो। महाकाल के दीवाने, सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, जब आप महाकाल के दीवाने हैं तो इसमें नाम लेने की क्या बात है भाई, ये तो आप, हाँ चलो बिल्कुल जल्दी बता दो, हाँ पूछ दिया मैंने, लक्ष्मण, क्या बात है भाई, लक्ष्मण था, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, हस्बैंड का नाम था क्या था, लक्ष्मण था। अब ऐसा कोई मत कहता ना, लक्ष्मी के पति का जो नाम है भगवान विष्णु है ना, ये आपके चैप्टर की चर्चा हम कर रहे हैं, ओके डन है। ये कौन थे, तो लक्ष्मण थे, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण कहां नौकरी करते थे ये भी बता दो, अगर आपको जानकारी है तो फटाफट से बता दो, लक्ष्मण जो है वो नौकरी कहां करते थे, लक्ष्मण नौकरी कहां किया करता था, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण नौकरी कहां करता था, वो कलकत्ता में करता था, बहुत बढ़िया कलकत्ता, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा कि कलकत्ता, ओके डन। चलो अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस लेखक के
किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? यह 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था। काफी सारे बच्चे इसमें गलती जवाब दे सकते हैं, लेकिन ध्यान से सोचना। कह रहे कि किस लेखक की कथा साहित्य में जो है उड़ीसा का जीवन किसमें दिखाया गया है? ढाते विश्वास में दिखाया गया है। और ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के लेखक आपका है सात कोड़ी होता जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डन। क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ बिल्कुल सर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बाबू अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ी? बोला यस, कल रात 8 बजे जुड़ना। कल रात 8 बजे साथियों, 8 बजे याद रहे के चाहिए काल चली रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के क्वेश्चन बैंक। और यही से क्वेश्चन तो पूछा जाला। और बिहार में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपको पूरी तरीके से चैप्टर वाइज कंटेंट बिल्कुल आपको जबरदस्त दे रहे हैं पूरी तरीके से। किसकी? क्वेश्चन बैंक की सीरीज। क्वेश्चन बैंक की सीरीज बाबू एकों को चैप्टर तरह से छूटे करना चाहिए, ये समझ लो। अगर कुछ नहीं का पढ़ लेना, खाली क्वेश्चन बैंक की सीरीज पढ़ ली हो और हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे, बस समझ लिया तार एकदम जबरदस्त तरीके से बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक बा, पूरी डंकी की चोट पे कहते हैं सर। हरिदेव बैठा जी, सर मेरा नाम एक बार ले लीजिए प्लीज। अच्छा चलिए ले लिए, हरिदेव बैठा दी। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। बोलो यस गुरु जी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए। बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा बैठे कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। बाबू वो कौन थे जो हल्ला करके सबको क्या कह रहे थे? सचेत कर रहे थे। सचेत कौन कर रहा था? यानी कि सतर्क कर रहे थे। कौन उसे सचेत कर रहे थे यानी कि सतर्क कर रहे थे कि बाढ़ अब आने वाली है, दलाई बांध टूटने वाली है, पूरी पानी आ जाएगी, अपनी सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से कर लो जिससे कि अगर आपदा आए तो हम लोग अच्छे ढंग पे अच्छे जगह चल सके। ओके डन, एक बार शेयर करो। बिल्कुल सर, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर। देखो चंद्रा, गुड़ निधि या अच्युत या फिर शंकर मकरा या फिर इनमें से सभी। तो देखो ये सभी लोग एक साथ मिल करके सभी को सचेत कर रहे थे, सबको यह सलाह दे रहे थे कि देखिए दलाई बांध टूटने वाली है, हम लोग जितना जल्दी हो सके अपना व्यवस्था कर लें ऊंचे स्थान पे जाने के लिए। लेकिन बाढ़ इतनी खतरनाक थी, इतनी जबरदस्त तरीके से आई कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। आप चैप्टर जब पढ़ें तो आपको पता चली होगी। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोशन कुमार ठाकुर बोल रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए। चलिए आपका नाम ले लिए। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ कि ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ये 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से बता दो। ज्योति कुमारी गुप्ता बोलेगी सर सबका नाम ले रहे हैं और मेरा नहीं ले रहे हैं। सर दुश्मनी है क्या आपको? एक बार मेरे से मेरा भी नाम ले लीजिए। भाई साहब आप सभी किसी से मेरी दुश्मनी नहीं, वो प्यार इश्क और मोहब्बत है जिससे आप सबको छोड़ करके आप हमारे साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और यही जुनून और ऊर्जा आपके साथ बनी रहनी चाहिए साथियों। और हम लोग करके दिखाएंगे क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होनी चाहिए और टेल भी आपका होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त शानदार तरीके से आपको तैयारी करना है। ओके साथियों, क्योंकि हो चुका आगाज रण का, बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। ओके साथियों चलो बिल्कुल। तो इसका लेखक क्या, ये कहानी के संपादक कौन है भाई? तो इसके कहानी के संपादक है सात कोड़ी होता जी। के रहे संपादक धाते विश्वास, ए कहानी धाते विश्वास कहानी के तो संपादक रहा है सात कोड़ी होता। कौन थे? सात कोड़ी होता थे। एक बार शेयर ना कर दो फटाफट से, शेयर कर दो अपना साथी अपना दोस्त कि बुला के लेके आवा जल्दी से क्लास में, जितना जल्दी हो सके फटाफट से शेयर कर दो। ठीक बा, चलो अगला क्वेश्चन कहता कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? ये देखा 2018 में भी क्वेश्चन पूछल गई रहे, 2021 में भी क्वेश्चन पूछल गई रहे, 2018 में प्रथम पाली में, 2021 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछल गई रहे। एक मतलब हो गया कि क्वेश्चन बड़ा ही शानदार बटे। तो जल्दी से बता दा कि अगर सही जवाब का हुई कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो भाई साहब याद करके रखना कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का जो नाम था वह अच्युत था। क्या था? अच्युत था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिला जहानाबाद के छोड़ा सर, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर जी, लव यू बाबू। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखा, सारा चैप्टर समाप्त होके वाला बटे, यानी कि पांचों चैप्टर के जितना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछ ले रहे अभी तक सब कुछ हम खत्म करने वाला वानी काफी शानदार तरीका से। अगला है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया है?
भाई स्वेच्छा सर, स्वेच्छा सेवक। अब देखो स्वेच्छा सेवक का मतलब हो गया यानी कि अपने आप से एक दल का गठन कर दिया जाए, यानी कि गांव में जब दुर्गा पूजा होला, यानी क्या होते बटे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जन होला या फिर सरस्वती पूजा जन होला या फिर कोई भी हम लोग का एक कार्यक्रम करना होता है तो हम लोग कैसे एगो दल बना लेते हैं, एगो टीम है ना, तो टीम बना करके वो दल के हमनी के नाम भी रखने से कहीं रखला छात्र दल, कहीं रखला बहुत सारा राजा दल, राज दल, बहुत सारा दल होता है ना। तो इस तरीके से जो दल बनता है जो अपने स्वेच्छा से बनता है यह गठन जो है वह ये स्वेच्छा सल का गठन किसने यह कर दिया था, मिल करके अपने आप एक दल का गठन किया ताकि हम लोग बाढ़ से सुरक्षित हो सके, उसमें अपना जो है सहयोग दे सके या लोगों को सचेत कर सके। कौन किया था इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गुणनिधि जी ने, कि कौन किया था गुणनिधि, यानी ऑप्शन क्या हो जाए ए नंबर क्या अभी आशीष यादव। अच्छा बाबू आशीष बाबू आरो नाम ले लेनी कोनो बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये देखो ये तो मौखिक प्रश्न में अभी मैंने आपसे पूछा था और देखो बिहार बोर्ड ने पूछ दिया था, कब पूछा था यह क्वेश्चन 2019 के द्वितीय पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में है ना, ये क्वेश्चन पूछल गई रहे और एक जवाब बता दो फटाफट से क्वेश्चन में कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो अबे हम बतानी है कि लक्ष्मण जो है कहाँ नौकरी करता था, तो वो कलकत्ता में नौकरी करते थे, यानी कि कलकत्ता ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यह किसके पति थे, लक्ष्मी के पति कौन थे, लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जो कुछ भी कलकत्ता से भेजा करते थे उसके उसका भरण पोषण लक्ष्मी की नहीं हो पाती थी उनके परिवार का, तो वह किसके यहाँ नौकरी क्या करती थी, छीटफुट, जल्दी बता दो वह किसके यहाँ छीटफुट नौकरी करती थी, कहोगे कि तहसीलदार साहब के यहाँ छीटफुट नौकरी करके वह अपना जीवन भरण पोषण करती थी। कितने बीघा उनके पास खेत था, जल्दी बता दो लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था, यह भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, कहोगे कि उसके पूर्वज जो है उन्हें एक बीघा खेत छोड़ करके गए थे जो उसमें खेती करती थी, लेकिन ऐसा संयोग कि बाढ़ ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी, जो अंकुर थे वह धूप से पूरे जल करके स्वाहा हो गए थे, पूरे खत्म हो गए थे, है ना। चलो ये जो आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं इसे याद करके ना, इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, ये देखो क्वेश्चन मैंने मौखिक में भी पूछा और देखो क्वेश्चन आ गया, यानी कि मैं जो बात बोलता हूँ साथियों ये अनुभव के अनुसार बोलते हैं क्योंकि काफी दिनों से मैं इसी में जुड़ा हुआ हूं और आपको पता है कि जो हम आपको बताते हैं पढ़ाते हैं समझाते हैं वो आपके लिए लाजवाब होता है, धमाल होता है, एकदम जबरदस्त करते हैं। ये देखो 2020 और 2020 के प्रथम पाली में भी और 2020 के द्वितीय पाली में दोनों बार क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। अभी तो हमने कई बार आपको बताया और आप लोग भी हमें बताए। चलो आगे बढ़े, एक बार शेयर कर दो ना यार, कंजूसी कर दो यार, अच्छी बात नहीं है ये यार, कम से कम ये 500 प्लस बच्चे को कर दो फटाफट से, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, सब इतनी मेहनत की जा रही है और आपके लिए इतनी क्वेश्चन को टाइप करा करके बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो कि हमारे एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा, एकदम हू बहू ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन है, बस एक आपको ओएमआर सीट दे दिया जाएगा, उस ओएमआर सीट में आपको फटाफट तरीके से चार गोला होगा, उसमें एबीसीडी लिखा गया होगा, जो भी ऑप्शन से होगा उसको फटाफट से बाल पेन से रंग देनी है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, 2020 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बता दो। अरे हाँ बाबू, ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आई, अगर विश्वास नहीं के हो तो पिछला वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकता रहा, यानी कि जोन हम पढ़ावे नहीं बतावे नहीं, अगर तुम्हारा ऊपर संदेह बा डाउट बा तो पूरे डंकी की चोट पे कहते हैं कि आप हमें जांच कर लो कि मैं जो पढ़ाता हूं बताता हूं क्या पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था। ये देखो सारी ऐसे लिख भी मैं दे रहा हूं यार, कब कब ये क्वेश्चन पूछा था, फिर डाउट किस बात की है ना, यही सभी आएगा घुमा घुमा कर क्वेश्चन। नोड नेटवर्क गोपालगंज, अरे भाई साहब गजब आपका नाम है ना, लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आप हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, फ्री में टेस्ट एंड नोट्स भी, लाइव क्लास भी, लव यू सर, आप इतना कर रहे हैं। अरे सर ये तो प्यार है आपकी, आगे आगे देखो आगे होता क्या है, आगे आगे अभी आने दो, समय आने दो, है ना, आने दो, एग्जाम नजदीक होने दो, फिर देखो। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो आपका देवी नदी के बांध के नीचे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डन है, बोलो यस डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सात कोड़ी होता कथकार है, यह 2020 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था।
सात कोड़ी होता कि कथाकार कौन है जल्दी बता दो फटाफट से, लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से, जल्दी से बता दो एकदम बढ़िया तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बढ़िया तरीके से जल्दी से। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा सर कि सात कोड़ी होता कथकार कहां के हैं, तो उड़िया के हैं। किसके हैं? उड़िया के बाबू। ऑप्शन नंबर का हो जाई सी नंबर बिल्कुल सही हो जाई। ठीक बा, काल रात्रि 8 बजे जुड़िया, 8 बजे काल क्लास हुई। ठीक बा, 8 बजे का चीज के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कौन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ओके डन, जुड़ोगे बोलो यस गुरुजी जुड़ेंगे। पीडीएफ नोट्स भी ले लेना ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, जो 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। बाबू जल्दी से बता दो फटाफट से। चलिए बताओ फटाफट से। पावर अप डीएलएस एजुकेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। बाबू लक्ष्मी जोन बटे, वो लक्ष्मी जो थी वो धाते विश्वास जो है जिसके लेखक के साथ कोड़ी होता है उसके क्या है, वो पात्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चर्चा करें, यस गुरुजी अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, यानी कि किस कहानी के केंद्र में जो है वह बाढ़ को दिखाया गया है, यानी कि कामना कहानी में बाढ़ का दिखावल गया बा मां या फिर ढाते विश्वास या नगर या धरती कब तक घूमेगी। तो फटाफट से कह दिया कि हमने के पढ़ते हैं सर ढाते विश्वास, तो ढाते विश्वास यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी बटे वो बी नंबर हमने के बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, पात्र कौन है बताओ 2019 के द्वितीय पाली में। अरे बाबू ये तो सबसे पहले हम बतौनी है, एक जवाब का हो जाए, जल्दी से बताओ ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो जल्दी से कह दिया फटाफट से कह दिया कि पात्र जो है लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी है, यानी ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो। अगला है कि ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है, यह 2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। जल्दी बताओ तो कि ढाते विश्वास किस कहानी से अनुदित है, तो ध्यान दिया एक सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी की उड़िया से। कैसे हो जाए, उड़िया से, यानी ऑप्शन सी नंबर अगर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक बा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है डन। रिंकी कुमारी बोल रही कि सर जी आप हमारा नाम नहीं लीजिए, बस आपका हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मंटू सर बिल्कुल यार, हाथ क्या, हर चीज पूरी तरीके से पूरे दिल से आपकी मेहनत कर रहे हैं साथियों, और आप लोग हमारी मेहनत देख रहे हैं कि सारी कितने कष्ट में, मतलब कि जबरदस्त तरीके से आपको डिजाइन करके हम पढ़ा रहे हैं। वो आपको चैप्टर वाइज हो, कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वो सारी चीज हम व्यवस्था करके देते हैं शिक्षकों को, ताकि हमारे बच्चों को ये चीजें जानी चाहिए। पीडीएफ नोट्स बच्चों को मिलनी चाहिए, समय पर मिला या नहीं मिला आपको वही चीज कराते हैं। क्वेश्चन बैंक की सीरीज आपको हम रिपीट करवा रहे हैं, वो भी बिहार में पहली बार हो रहा है, और हम आपको करा रहे हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं, वो भी हर एक चैप्टर का पूरी तरीके से, ताकि समाप्त हो ठीक है एकदम डन और जबरदस्त तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, 2018 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ढाते विश्वास जो कहानी बाटे वो कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, ई बता दो फटाफट से। तो कह दो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, ऑप्शन हो जाए सर जी ए नंबर। बोलो यस गुरु जी क्या हो जाएगा, सर ए नंबर हो जाएगा। चलो फटाफट से, सर आप हमारे लिए भगवान है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बाबू क्वेश्चन कहा तटे, ध्यान दिया क्वेश्चन अगला कहा तटे कि तुरई के फूल की तरह
खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? यह 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। बाबू तुरई के फूल, तुरई के फूल समझा ला, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर जो हंसते लोग थे, हंसी खुशी से जो लोग रह रहे थे, वो तुरंत ही क्या है, सहसा तुरंत ही मुरझा गए, तुरंत ही उनके चेहरे पे उदासी छा गई। यह जो है यह पंक्ति किस कहानी यानी यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो फटाफट से ड्रीम फोकस जी, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ जितेंद्र कुमार कुशवाहा जितेंद्र जी बिल्कुल आपका नाम ले रहे हैं, कैमरामैन फोकस करो, मंटू सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा थैंक यू, चलो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ढाते विश्वास। क्यों? क्योंकि बाढ़ जो है इतनी जबरदस्त और भयानक तरीके से आई ताकि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन की, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, बारी बारी से जो लड़के थे वो केकर निगरानी कर रहे थे सब लोग, है ना, किसका निगरानी कर रहे थे? कहोगे कि वे जो निगरानी कर रहे थे वो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे कि कहीं वह टूट ना जाए, लेकिन वो जान लगा दिए थे अपनी, यानी कि पूरी तरीके से एनर्जी अपना झोंक दिए थे उसमें, लेकिन फिर भी दलई बांध रुकी नहीं, वो टूट ही गई और पूरी तरीके से गांव के लोगों को सब कुछ वहां पे बर्बाद कर दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मी अपनी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहां गई थी? 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बता दो फटाफट तरीके से, जल्दी बता दो। बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को सुलाकर कहां गई थी, जल्दी बताओ तो, खलिहान में, गुहाल में, या फिर रसोईया में, या फिर इसका जवाब क्या होगा, कमरे में, जल्दी बताओ फटाफट से, सर्च करो तो फटाफट से, जल्दी से बताओ तो इसका जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया सर, भोजपुरी में बोलिए, तो भोजपुरी में तो बोलते बनी यार, है ना, भोजपुरी में कहा बोला बाप तारा देखा, भोजपुरी में समझ में आवे चाहे हिंदी में समझ में आवे, समझ में आवे के चाहे और जबरदस्त तरीके से तारा पढ़े बाबा, ये बड़ा टॉपर वेरिफिकेशन में जाएगा बेटे। कम से कम अगर नंबर का टारगेट रखते हो तो 400 प्लस नंबर लाना है आपको, है ना, और सबका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाना है। आपके आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं आपको, अरे ये कुछ ना करे, ये हमारा भी दिन भर घूमते रहेला, है ना, लेकिन नहीं, अभी आपको वो समय और घड़ी है जब आप अपने हाथों से, आप अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा। आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है, आपके साथ ये हथियार होगा, आपका कलम होगा और वहां पे पेपर होगा। जितने शानदार तरीके से लिखिएगा उतने ही आपका भविष्य रिजल्ट आपका जबरदस्त होगा, फिर आप मुंह तोड़ जवाब दे पाइएगा सब किसी को कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। चलो क्या हो जाएगा फटाफट से, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बी नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, हाँ गुहाल में गई थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर पर दो लड़कियों और क्वेश्चन है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, कौन अकेली थी बता दो फटाफट से, तो अकेली लक्ष्मी थी। कौन अकेली थी? लक्ष्मी थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब होगा। बोलो यस या नो गुरुजी, क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए लव यू मंटू सर, कुशवाहा जितन जी लव यू। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला रखा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा बटे कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा रहा है, जल्दी बता दो। और इस वर्ष किस जिले के टॉपर बनने वाले हैं बताओ तो, सबको अपने अपने जिला का नाम बताओ तो, कि इस वर्ष तो कौन से जिले के टॉपर बनेंगे जल्दी कमेंट करो तो, इस वर्ष तो बनके दिखाना है ना टॉपर जबरदस्त तरीके से, फटाफट तरीके से, शानदार तरीके से, जल्दी बताओ तो फटाफट तरीके से, चलिए फटाफट जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका सही जवाब वैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर की 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा जल्दी से। ओके क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन से जिले के इस बस टॉपर बच्चे बनने वाले हैं? सुपौल के। अरे वाह भाई वाह सर जी, आप भोजपुरी में बोलिए, भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है प्लीज, अतः भोजपुरी में ही बोला था नहीं, जल्दी से बताओ तो कामना जिला के अब की बार टॉपर होखे वाला बड़ा, जल्दी से बताओ। नालंदा के, किशनगंज के, बिल्कुल ऐसा लिखो टॉपर तो हम ही होंगे, है ना, इस वर्ष एकदम धमाल मचाना है साथियों। चलो अगला है कि हल
किराए पर लेखक बीघे भर जमीन में खेती कौन कराया करवाई थी? जो हल हल जो है हल मतलब हल तुम लोग देखे हो, अब तो हल वगैरह नहीं आ रही है, अब तो ट्रैक्टर से जुताई खुदाई हो रही है, पहले बैलों के द्वारा जुताई वगैरह होती थी या अभी भी कई जगह होता है, ऐसा चीज नहीं है। तो हल लेकर के वो किराए पर लेकर के आकर के जो बीघे पर यानी एक बीघा जो खेत मिला था लक्ष्मी को, वो खेत में वो काम कराई थी, कौन? लक्ष्मी कराई थी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलो ये लो साथियों, अगला चैप्टर भी खत्म, यानी कि ये जो दूसरा चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग पहुंच गए सर तीसरे चैप्टर पे। कौन से चैप्टर पे? तीसरे। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? मां। ये सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया शब्द है ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शब्द है मां। अब बताओ कि मां कहानी जो आपका दी गई है ये क्यों दिया गया भाई? इसमें पूरी मां का ममता के बारे में आपका वर्णन किया गया है। ओके, अब बताओ हमें फटाफट से मौखिक प्रश्न में कि मां कहानी के जो लेखक है वो कौन है? मां कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ तो मां कहानी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, अगले चैप्टर हम लोग पहुंच चुके हैं। पूरे पांचों चैप्टर खत्म होने वाली है, ठीक है? पूरे पांचों चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, चलिए जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताओ तो मां कहानी के लेखक कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल कह रहा है, हां चलिए बताओ फटाफट से मां कहानी के लेखक कौन है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था 2021 के द्वितीय पाली में और 17 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी बताओ। हां जमुई जिले से, बहुत बढ़िया। सर जी आपका शादी हो गया? नहीं शादी नहीं हुआ यार, कराने का विचार है का आपको? जल्दी से बताओ। हाँ मां के ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ ऑप्शन नहीं है, मतलब उसका ये मौखिक प्रश्न था ना, इसका बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ कौन सा महीना मां के लिए जो है आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना था वो? आपका अगहन का महीना था, है ना? कौन सा महीना रहा है वो? अगहन के महीना जो था वो मां के लिए आराध्य देव बन गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डन है। अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन को बताएं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, ध्यान देना, अगला है मंगू की प्रकृति मौत को मां क्या मानती थी 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मंगू की प्रकृति है यानी कि जो प्रकृति उसकी थी मंगू की जो मां थी वो क्या सोचा करती थी, क्या मानती थी? बंधन मांगती थी या मुक्ति या फिर छुटकारा या फिर संतोष? जल्दी से, वो क्या मानती थी? मुक्ति मानती थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी 2020-21 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? जल्दी बताओ तो। अरे नहीं भाई साहब, मेरी शादी नहीं हुई यार, क्यों मेरे शादी के चक्कर में तुम लोग पड़े हुए हैं, मुझे ये बता दो। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, जल्दी बता दो फटाफट से। सात कोड़ी होता के या फिर सुजाता के या सामर दैया या फिर ईश्वर पेटलीकर के, है ना? बता दो फटाफट से। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, सही ईश्वर पेटलीकर बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, जब मंगू की मां मंगू को लेकर के गई थी अस्पताल में, यानी अस्पताल में जब लेकर के गई थी तो वहां पे जो है बड़ी समस्या हुई मां को, है ना? मां को काफी ज्यादा समस्या हुई थी, बट वहां पे यह बात किसने कह दी थी कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है? मां जो है वह जाना चाहती थी अपनी बेटी को देखने के लिए, बट यह बात जो है वह किसने कह दिया था, जल्दी बताओ। मेट्रा ने या मजिस्ट्रेट ने या फिर परिचारिका ने या फिर डॉक्टर ने? तो यह बात जो है वो मेट्रा ने कही थी कि अंदर किसी को देखने का जो है वह इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है, अंदर कोई भी नहीं देख सकता है।
अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। यह 2021 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी शानदार तरीके से। जल्दी बताओ, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो मंगू को भर्ती करने के लिए अपने बड़े पुत्र को उन्होंने पत्र लिख करके बुलाया कि तुम आ जाओ, ये बेटी को दिखानी है। ओके, किसे लिखी थी? अपने बड़े बेटे को। चलो अगला क्वेश्चन, सर कौन से क्वेश्चन बैंक ले सर, प्लीज सर बता दो। अरे भाई साहब, इसमें क्वेश्चन बैंक में कोई थोड़ी ना होता है यार। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मन करे ले लो। क्वेश्चन बैंक में तो हम देखो, कोई भी क्वेश्चन बैंक लेगो उसमें सब वही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कोई अलग थोड़ी ना रहता है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक तो वही है जो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हो। अगला है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था 2021 के प्रथम पाली, 2020 के प्रथम पाली और 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मेरा नेटवर्क नहीं है, आज का क्लास छूट जाएगा। वो भाई साहब यार, बड़े प्यार से नेटवर्क बचा के रखो। चलो क्या हो जाएगा आपका बताओ तो फटाफट से। मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था। कम्मू कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी देखो तो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उसके मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबू अगला नंबर क्वेश्चन का रलवा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कहा था कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, जो कि 2020 के द्वितीय पाली और 2022 के द्वितीय पाली, ये दोनों बार पूछा गया है। जल्दी बताओ, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये आपका मराठी के, किसके है? मराठी के। एक बार शेयर कर दो फटाफट से बाबू, शेयर नहीं कर दी कंजूसी अच्छा ना लगेगा, ठीक बा। और वह तो प्यार है, वह तो एकदम ऊर्जा है, ऊर्जा अगर देखना चाहते हो शेयर कर दो फटाफट से और लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जन्म से ही पागल है, 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। जन्म से पागल कौन थी? तो जन्म से ही पागल थी मंगू। कौन थी? जन्म से ही पागल मंगू थी, यानी ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कौन जन्म से ही पागल थी? मंगू थी। सर व्याकरण का क्या होगा सर हिंदी और संस्कृत में? अच्छा, व्याकरण का कुछ नहीं होगा, उसका सब कुछ कर दिया जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, बस उसका व्याकरण ही शुरू करवा देते हैं। करवा दें एक बार, बोलो यस गुरुजी सर व्याकरण शुरू करवा दीजिए। बोलो सभी बच्चे एक बार बोले कि सर व्याकरण शुरू करवा दीजिए। अब हिंदी तो हम लोग कर लेंगे और हिंदी आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई रहे हैं, सर व्याकरण की क्लास हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो व्याकरण ही आप शुरू करवा दीजिए। और ग्रामर की शायद आज इंग्लिश की क्लास चलने वाली है, वैसे 5 बजे क्लास थी, थोड़ी सी स्टूडियो वगैरह खाली नहीं थी, काफी सारे बच्चों के लिए क्लास जाती है, ऐप पे क्लास जाती है और भी किसी जगह क्लास जाती है, तो वो क्लास अभी जस्ट हो ही जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताओ, कह रहे कि जन्म से ही पागल कौन थी, बताओ फटाफट से। जन्म से ही पागल मंगू, ये तो बता दिया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, मंगू जन्म से ही डैश थी, मंगू जन्म से ही डैश थी, 2018 के प्रथम पाले पूछा था, वो जन्म से ही पागल थी। क्या थी? पागल थी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी। ये देखो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला क्वेश्चन है, ये 2019 के द्वितीय पाली में पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है, ध्यान देना। एक बार पूछता है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी, और एक बार पूछता है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। अगर पूछेगा, ध्यान देना यहां पे, इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताओ तो फटाफट से। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी मंगू के अलावा। लेकिन मंगू के अलावा अगर मंगू की मां की संतानें पूछे तब 4 हो जाएगी, क्योंकि मंगू के अलावा यहां पे पूछा है ना, तो एक घट जाएगी। ओके डन, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, 2018 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था। जल्दी बताओ फटाफट से, मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यह जल्दी बता दो। तो मां कहानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं, और अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की मां कितने संतानें थी, मंगू की मां की कितने संतानें थी ये बता। देखो पूछ दिया ना, मंगू की मां की कितने संतानें थी, ये आपका
ऑप्शन ये आपका 2018 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। मंगू के अलावा की बात करेगा तो साथियों तीन होंगी, लेकिन मंगू की मां की पूछेगा तब चार हो जाएगी, है ना। मंगू के अलावा का मतलब क्या हो गया, उसको छोड़ करके बताना है। अब मंगू की मां की कितने संतान है, यानी कि उसको ऐड करके बतानी है ना, तब चार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। ये 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। जब भी मंगू की मां से अस्पताल जाने की बात किया जाता था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, मंगू हो सके तो ठीक हो जाएगी, तब भी मां क्या करती थी कि वो गौशाला की उपमा दिया करती थी, कि जिस प्रकार से हम लोग गौशाला में गाय भैंसों को रख देते हैं और समय समय पे कभी कभी जा करके उसके देखभाल करते रहते हैं, वही उपमा जो है वह अस्पताल के दिया करती थी कि वैसे ही होगा, जब मैं मां होकर के मैं उसकी अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हूं तो फिर अब अस्पताल वालों को क्या पड़ी है जो मेरी बेटी को या किसी को देखभाल करेंगे, ऐसा वह सोचा करती थी। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं। ये 2022 के द्वितीय पाली में, ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बता दो फटाफट से, ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो ईश्वर पेटलीकर साथियों ये याद रखना, ये गुजरात के आपका जो है लोकप्रिय कथाकार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगू कब से पागल है। मंगू जो है वो पागल जो है कब से है, तो वह जन्म से ही पागल थी ना, वो कब से पागल थी, वो जब उनका जन्म हुआ था, मंगू की जब जन्म हुई थी तब से ही वो पागल थी। यानी ऑप्शन सर मैथ का 8.4 नहीं हुआ। अच्छा इतने क्यों बेताब हो भाई, उसको बता देंगे, थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी सारी चीज आपको कराना है, उसको भी करा देंगे, उसके लिए बेताब मत हो, मैं खुद, मुझे खुद पता है कि क्या चीज हुआ है क्या चीज बाकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता था। 2022 के प्रथम पाली में, आप बाबू परेशान मत होइए किसी चीज को लेकर के, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सारी चीजें करा दूंगा, है ना, सब कुछ करा देंगे, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, बस सब्र बनाए रखें, ध्यान से बस पढ़ते रहें, जबरदस्त तैयारी करते रहें, ठीक है। समय के अभाव हो जाती है बच्चे। चलो कह रहे कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्वतंत्र रखा जाता था। कैसे रखा जाता था, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, उसे वहां पे स्वतंत्र कर दिया जाता, स्वतंत्र रखा जाता, ये उसे बांध कर रखा जाता था ना, कमरे में बंद कर रखा जाता था, उसे ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, ठीक है, उसे ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बताओ, डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या फिर पुलिस से। तो वह प्राप्त किए थे मजिस्ट्रेट से, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखना ध्यान से, क्वेश्चन है कि मां को कितनी पुत्रियां थी। बात वही है भाई, ये आपका बोर्ड मॉडल है, ये 2022 में क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कि मां को कितनी पुत्रियां थी, तो उनकी दो पुत्रियां थी, जिसका नाम, एक का नाम था मंगू और एक नाम था कम्मू। ओके ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह बात किसने कह दी थी। 2022 के प्रथम पाली में, मां का जो ममता है वो जानती है कि किस तरीके से हमारी बेटी घर में रहती है, तो अस्पताल में जब गई थी उसे छोड़ने के लिए, तो वह हमेशा बोला करती थी जो भी यहां पे नर्स वगैरह थी कि देखो मेरी बेटी को रात में जब लाइट वगैरह जलती है तो नींद नहीं आती है, आप लाइट वगैरह को बंद कर दीजिएगा तब उसे सुलाइएगा, वो सो जाएगी, ऐसा वो कह के आई थी। कौन, तो मां कह के आई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मां जी किसे गौशाला की उपमा देती थी। 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन था, ये सबको बताया भाई कि ये अस्पताल को वो हमेशा गौशाला की उपमा दिया करती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला है कि कौन महीना मां जी का आशा भरा महीना था। वो कौन सा महीना था जिसमें मां को ऐसा लगता था कि मेरी बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी। वो अगहन का महीना था, जिसमें एक बाबा आकर के बताए थे कि अगहन का महीना इसके लिए ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या ओझा गुनी पे आप लोग भी विश्वास करते हैं, है ना, ये मैं तो नहीं करता यार। चलो अगला चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, ये रहा, हम लोग ने दो चैप्टर को समाप्त कर दिया, ठीक है, तीन चैप्टर समाप्त कर दिया, मात्र दो चैप्टर और बचा है। ये चैप्टर आपका नगर,
तो बताओ कि नगर के लेखक कौन है, जल्दी से। 10 दो चैप्टर और है, एक चैप्टर है और एक चैप्टर और है, यानी कि आज पूरा 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएगा। कहीं मत जाओ, पूरी तरीके से बने रहो साथियों। 10 नंबर आपका पूरी तरीके से खत्म, 10 मार्क्स आपका खत्म शानदार तरीके से। बिल्कुल सर, बताओ तो नगर के लेखक कौन है। चलो अगला है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। नगर के लेखक सुजाता जी हैं और उनका जन्म जो है वह कब हुआ था, यह 2021 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था। जल्दी बताओ लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। माफ करना, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1935। क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनोज कुमार सर मेरा भी नाम ले लीजिए ना, आपको कब से कमेंट कर रहा है, प्लीज आप मेरा नाम नहीं ले पा रहे। अच्छा मनोज कुमार जी बिल्कुल आपका नाम मैंने ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। पपाती जो है किस पर लेटी हुई थी, यह 2021 के और 2022 के, 2021 के प्रथम पाली में, 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि पपाती जो किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पे जो होता है ना मेज, उस पे वो लेटी हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन फटाफट से, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, यह 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। जल्दी फटाफट से करो ताकि मैं भी क्लास समाप्त करूं फटाफट तरीके से, एकदम समय ज्यादा ना ले हम। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा बी कि सुजाता की। क्या हो जाएगी साथियों, सुजाता की। चलो अगला क्वेश्चन है कि जो पहले दिन है वो पहले दिन पपाती को क्या था, 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा है। तो पहले दिन पपाती को मेनिनजाइटिस, आपको क्या था, बुखार था। कैसा था वो, उन्हें बुखार था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, वो कौन सा बुखार हुआ था उन्हें, मेनिनजाइटिस है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था। कहोगे किसका सही जवाब हो जाएगा, सुजाता। सुजाता के पूरा नाम जो है वो एस रंगराजन है। अरे भाई साहब रंग रंगराजन, चलो बढ़िया नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है। जल्दी बताओ 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमा गया क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। कह रहे कि मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका मिदौरा। मिदौरा कहा जाता था, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ओके डन, चलो आगे बढ़े। सर आज मेरा हैप्पी वाले बर्थडे है। अच्छा, बहुत बहुत आपके जन्मदिन का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हजारों साल जिए, आप हमेशा दिन दूना और रात चौगुना प्रगति करते रहे। चलो ये देखो, इसमें इतने ही क्वेश्चन है, मात्र इसमें 6 क्वेश्चन ही है, 6 क्वेश्चन ही है इसमें, क्वेश्चन बस इसमें इतने ही ऐड हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन जो है और है साथियों वो डिलीट हो चुका है। मैं किताब से बोल देता हूं उसका जवाब बता दो, मैं किताब से क्वेश्चन पढ़ देता हूं उसका फटाफट से जवाब बता दो। इसमें क्वेश्चन और डिलीट हो चुकी है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं इसके बाद और आप लोग इसका जवाब दे दो फटाफट से, जल्दी से साथियों। चलिए कितने नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, 6 नंबर तक। 7 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 17 क्वेश्चन है वैसे इस बुक में। तो क्वेश्चन है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, जल्दी बताओ कमेंट करके, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट में दर्द के कारण। यह 2020 और 21 दोनों बार क्वेश्चन पूछा था। 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दो फटाफट से, कहोगे ऑप्शन नंबर बी कि तेज बुखार हो गया था जिसके कारण जो पपाती बेहोश पड़ गई थी। डन है, यहां पर मौखिक तरीके से थोड़ा सा सुन लो ठीक है। हाँ, और पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी। डन, अगला क्वेश्चन है पपाती की उम्र कितनी थी, पपाती की उम्र कितनी थी, जल्दी बता दो फटाफट से, कमेंट करके ही आप लोग बता दो फटाफट से। तो पपाती की उम्र जो है वो कितनी थी, जल्दी बता दो। हाँ, 12 वर्ष की पपाती थी, यह बात याद करके रखना। कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी, यह बात याद रखना, बिल्कुल 12 वर्ष हो जाएगी। अगला, एस रंगराजन का वास्तविक जो नाम है वो क्या था, एस रंगराजन का वास्तविक जो नाम था वो क्या था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कि सुजाता था। कैसा था, सुजाता था, जो कि अभी आपको मैंने बताया ऊपर भी। अगला क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल
एडमिटेड नाउ। यह बात किसने कह डाला था? ठीक है, यह बात किसने कह डाला था? तो यह बात यार कहना बड़े डॉक्टर ने यह कह डाला था कि तुरंत आप इसे एडमिट कर लीजिए मेरे कहने पे। ठीक है, मैं इसे बोल रहा हूं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ध्यान से सुन लो। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बच्चे जवाब ही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी, नगर नगर जो है शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? भाई साहब सबको पता है नगर कहानी जो शीर्षक के जो लेखक है वो कौन है? वो आपके सुजाता जी हैं। ओके, कौन है? सुजाता जी, जिनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। ओके, डन। अगला है पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती किस कहानी की पात्र है? जल्दी बता दो फटाफट से। पपाती किस पात्र, किसके पात्र है, मतलब कि वो क्या है? पपाती डैश कहानी की पात्र है, किस कहानी के वो पात्र है? किसके है? नगर कहानी के पात्र आपकी पपाती है। अगला क्वेश्चन है कि पपाती को कौन सा रोग था, है ना? ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में, कौन सा रोग था पपाती को? कहोगे कि सर मेनिनजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस रोग था, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित है आपको बता दो। तो नगर भाषा बता दो फटा से। नगर कहानी, नगर कहानी किससे अनुदित है? चलिए अवधेश कुमार जी बिल्कुल आपका नाम ले रहे हैं, चलिए वह तमिल से है। नगर कहानी किससे अनुदित है? तमिल से अनुदित है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि बली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? जल्दी बता दो। डॉक्टर साहब ने बली अमाल से पपाती को लेकर के मदुरै को कहां जाने को कहा था? तो शहर में जाने के लिए ना, बिल्कुल वह शहर में जाने के लिए कहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? कहानी सुजाता का, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन था। डन। अगला क्वेश्चन है कि पपाती कहां लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। चलिए, तो ये आपका हो गया पूरी चैप्टर समाप्त आपका नगर वाला। ओके, कुछ क्वेश्चन आपका टाइप नहीं था तो मैंने आपको मौखिक प्रश्न के रूप में आपको मैंने बता डाला। अब आपका मैं शुरुआत करता हूं लास्ट चैप्टर, बस ये चैप्टर देख लो, उसके बाद आपका पूरा खिस्सा खत्म, पूरा हर चीज खल्लास। ओके, डन। ये जितने भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा शानदार, जबरदस्त और लाजवाब है। कल आपकी रात्रि 8 बजे केमिस्ट्री की मैं क्लास लेकर के आऊंगा, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, क्वेश्चन बैंक की। डन है, क्वेश्चन बैंक की। ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी? जल्दी बताओ धरती कब तक घूमेगी? ये जो आपका चैप्टर है इसके सबसे पहले बताओ तो इसके लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी कि इसके लेखक जो है वो कौन है आपको फटाफट से बता रहा है। तो सामरदैया, धरती कब तक घूमेगी लेखक कौन है? सामरदैया है। वैसे तो क्वेश्चन भी वही है कि धरती कब तक घूमेगी कि रचनाकार कौन है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा था। जल्दी बता दो फटाफट से, क्या हो जाए? वही सामरदैया हो जाए। क्या होते, कौन थे? सामरदैया थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? वो किसे महसूस होने लगा था? सीता को महसूस होने लगा था। किसको? सीता को। और धाते विश्वास, ये धरती कब तक घूमेगी की नायिका भी कौन है? तो धरती विश्वास कहानी की नायिका भी आपकी सीता ही है। वो ये क्वेश्चन कब का पूछा था? 2019 और 2021 दोनों बार पूछा था। किसे? सीता को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है, सीता के कितने लड़के थे 2021 के प्रथम पाली में? सीता के 3 लड़के थे। नाम पता है आपको? जल्दी बता दो, सीता के 3 लड़के थे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। एक बार लाइक करके शेयर करो साथियों, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं अभी तक, है ना? तो जल्दी से कर लो, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से क्लास आपको नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत, फिर परेशानी, फिर समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका पीडीएफ नोट्स जरूर ले लेना, ठीक है, और जैसे आपको मिलेगा अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर देना। डन है, चलो अगला है, सीता के बेटे की, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने के रूप में निर्णय कर लिया था? ये 2018 के प्रथम पाली और 2021 के आपके प्रथम पाली दोनों बार यह क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि 50-50 रुपए करके, लगभग 150 रुपए की बात की गई थी कि मां को यानी कि सीता को दे दिया जाएगा जिससे उनका भरण पोषण हो सकेगा, जिसको सुन करके मां को बहुत बुरा लगा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है, और यह 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था।
किस दिन लगा था सीता को कि लपसी जो है लपसी खाए हो कभी, लपसी फीकी है, किस दिन लगा था? तो कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए जो है नरसिंह जी वाले दिन जो है वो लगा था कि लपसी कैसी है, वो नरसंहार होगा यहां पे, नरसंहार वाले दिन, ठीक है ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही से टाइप कर लेना, ये मतलब लिख लेना। अगला, सीता रुआईसी क्यों हो गई थी, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, रुआईसी क्यों हो गई थी सीता, बताओ तो फटाफट से कि सीता जो है रुआईसी क्यों हो गई थी, जल्दी से बताओ क्यों हो गई थी सीता रुआईसी, तो अपना काला उठना देख करके वो रुआईसी हो गई थी, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी एक डैश एक माँ, किस कहानी की आपका ये पंक्ति है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ, यह किस कहानी की आपकी पंक्ति है, वो आपकी धरती कब तक घूमेगी की आपकी पंक्ति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। डन, चलो अगला है कि सांवरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं, सांवरदैया 2020 के द्वितीय पारी में क्वेश्चन को पूछा गया था, तो सांवरदैया जो है वो किसके है, वो आपके राजस्थानी है, यानी ऑप्शन आपका जो दिया गया है वो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन, क्या हो जाएगा, सांवरदैया आपका हो जाएगा राजस्थानी। अब बताओ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन बेटे की मां कौन है, तीन बेटे की जो मां है वो कौन है, तो तीन बेटे की भाई भाई कौन है, सीता है, कौन है, सीता है, और ये 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, 2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, तो ये जो है साथियों ये राजस्थानी भाषा से अनुदित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, 2018 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है सांवरदैया से, किससे है, सांवरदैया से, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ओके चलो एक बार लाइक करके शेयर करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा था, धरती कब तक घूमेगी ये आपको बताना है, ये कहानी कैसी कहानी है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर की, एक प्रकार की सामाजिक कहानी है, कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। डन, अगला है कि अगले दिन सीता ने क्या किया, 2022 के प्रथम पाली में सीता ने अगले दिन क्या कर डाला, तो सीता ने अगले दिन ही घर अपना घर ही छोड़ डाला, वो हमेशा उनको अपना ही घर में क्या होता था, घुटन महसूस हुआ करता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज, ए नंबर की, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, अरे बोलो यस गुरुजी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, एक बार लाइक करके शेयर करना फटाफट से, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था, भाई साहब यह बात किसने कह दी थी, 2022 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था, एनिमल एग्जाम के प्रथम पाली में क्वेश्चन, यह नारायण की पत्नी ने भौरी जो है वह कह डाली थी, भौरी ने यह बात कह डाली थी कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए आज रसमलाई भेजी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला, यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह पंक्ति कहां की है, है ना, यह पंक्ति जो है वह किसने कहा दिया था, कि यह बात अच्छी थोड़ी ना है कि मां कभी इधर जाए कभी इस घर खाए 10 दिन 15 दिन एक महीना, फिर उसके घर एक महीना खाए, फिर अगले दिन एक महीना खाए, यह बात अच्छी नहीं, यह बात किसने कहा था, यह बात कैलाश ने कहा था कि यह बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मां हमेशा जो है खाने के लिए इधर उधर भटकती रहे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था, मां ऐसी हो गई थी घर में तीन बेटे होने के बावजूद भी दो वक्त की रोटी जो है समय से नहीं मिला करता था, जिसके कारण मां काफी रुआईसी हो गई थी, उनका हृदय टूट गया था, वो अपने ही घर में घुटन महसूस किया कर रही थी, और उसे आकाश में देखकर उनकी आंख भर आई, किसके, सीता के, यानी कि सीता ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
इस तरीके से आपका बस ये खत्म हो गया है ना। 16 क्वेश्चन था, चलो 16 क्वेश्चन इसका था। यारी के साथियों इस महामैराथन की क्लास में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 यानी कि दही वाली मंगवा से लेकर के ढाते विश्वास जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछ डाले थे ये सब कुछ हम लोगों ने लाइव क्लास में बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से देख लिया। इससे 10 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, कितने अंक का? 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। अब रही इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपकी शानदार और लाजवाब तरीके से आपको एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी। रही बात इसकी व्याकरण की, यानी कि व्याकरण क्लास, वो आपकी जल्द ही मैं बोल देता हूं सर को, वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। व्याकरण भी खल्लास हो जाएगी, टेंशन नहीं होगा, सारी चीजें एकदम बखूबी जबरदस्त शानदार तरीके से खत्म हो जाएगी। ओके सर, सब्जेक्टिव इसका होने वाला है बहुत जल्द इस क्लास के बाद, है ना। एक ही क्लास में 4 घंटा क्लास लेने से फायदा नहीं है, वो समय को बर्बादी है, ये आप समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एक ही क्लास को 4 घंटे करना समय की बर्बादी है, 1 घंटे की क्लास को जबरदस्त शानदार करो, क्योंकि अगर 4 घंटे कराएंगे बोर हो जाओगे यार, आगे से पढ़ाएंगे पीछे से भूलते चले जाओगे, है ना। चलो इसलिए इसमें बस सब्जेक्टिव ही, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। कल रात्रि 8 बजे जरूर जुड़ना, जरूर जुड़ना। केमिस्ट्री का आपका क्या होगा साथियों? आपका यानी कि पहला चैप्टर है, रात 8 बजे आपका रासायनिक अभिक्रिया, उसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके की, ओके, लव यू। उसमें आपको दोनों क्लास खत्म होगी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब तरीके से, रात्रि 8 बजे वो क्लास होगी। ओके साथियों,